Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet. And today we are going to discuss current affairs of 20th of May 2020. And along with, we are going to discuss the fund allocation under the Atmanirbhar package. Atmanirbhar package ke antargat fund allocation kis sector mein kitna kiya gaya, ye hum discuss karenge. Aur hum discuss karenge banking terms, jo ki hum hamesha karte hain daily. Hum aaj discuss karne ja rahe hain कुछ इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स. हम ट्रेजरी बिल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन. लेकिन हम शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. टू इन्हेंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन - रुपीज करोड़ ऑफ अमाउंट इज अलोकेटेड अंडर एम जी नरेगा के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए कितना अमाउंट अलोकेट करा गया है. एंड 40,000 करोड़ अलोकेट करे गए. हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, 40,000 करोड़ अलोकेट करे गए हैं. ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़ लिया है. द फाइनेंस मिनिस्टर सैड ऑन सैटरडे 8 sectors विल अंडर गो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विच इंक्लूड कोल, मिनरल्स, डिफेंस, प्रोडक्शन, एयर स्पेस मैनेजमेंट एंड एयरपोर्ट्स, MRO पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन यूनियन टेरिटरीज, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी. ये जो 8 sectors हैं इनके अंदर रिफॉर्म किया जाएगा. ऑन फ्राइडे सीतारमन हैज अनाउंस्ड ₹1,00,000 करोड़ अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर. जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो निर्मला सीतारमन जी ने फ्राइडे को अनाउंस किया था 1,00,000 करोड़ का अग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फार्मर्स एंड 10,000 करोड़ स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज. जो माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज है MEF, इनके लिए 10,000 करोड़ अलोकेट किया गया. स्कीम रखी गई है ₹20,000,00,000 करोड़ स्टीमुलस पैकेज. और इसी के अंडर जो 20,000 करोड़ है वो स्टीमुलस पैकेज रखा गया है. इनको प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड ऑन संडे द गवर्नमेंट विल नाउ अलोकेट एन एडिशनल ₹40,000 करोड़ टू MG नरेगा. तो हमारा आंसर है 40,000 करोड़ MG नरेगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट एज शी रिलीज डिटेल्स ऑफ लास्ट सेट ऑफ इकोनॉमिक पैकेज. जो फिफ्थ ट्रेंच था 20,00,000 करोड़ रुपीज़ का जो मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान लॉन्च करा गया था पैकेज, उसका जो लास्ट ट्रेंच था उसमें 40,000 करोड़ ये MG नरेगा के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने रिलीज करा. द अर्लियर बजट एस्टिमेट फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा वॉज 61,000 करोड़. जो पहले किया गया था वो 61,000 करोड़ का बजट अलोकेशन था. ये जब मैं आपको PDF दूंगी तो आप रीड करिएगा फिर से. द गवर्नमेंट्स न्यू अनाउंसमेंट विल हेल्प जनरेट नियरली 300 करोड़ पर्सन डेज इन टोटल शी सेड. इन्होंने कहा कि 300 करोड़ लोग हैं, जो 300 करोड़ उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जा सकेंगी इस फंड के द्वारा, जो ये इन्होंने 40,000 करोड़ का फंड अलोकेट करा है. बढ़ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट, एन ऑनलाइन डैशबोर्ड नेम्ड नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय डैश टू ट्रेस द मोमेंट ऑफ माइग्रेंट. जो माइग्रेंट वर्कर अब जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए जो ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम रखा गया है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो किसके द्वारा डेवलप करा गया है. एंड हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेक्स्ट, अ कैंपेन नेम्ड चरण पादुका हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर माइग्रेंट्स. एक कैंपेन चरण पादुका कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया और ये भी क्या है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च करा गया. एंड हमारा आंसर है MP, ऑप्शन डी हमारा आंसर बनता है. MP ने लॉन्च करा है चरण पादुका. क्या है ये चरण पादुका वो हम देख लेते हैं. ये चरण पादुका MP के द्वारा अभी स्कीम लॉन्च करी गई है. इसके अंडर क्या किया जाएगा, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो
क्या कहते हैं पास कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो जो बेयर फुट होंगे ना उनके पास अगर स्लीपर शूज़ वगैरह नहीं होंगे, उनको इस स्कीम के अंडर शूज़ वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा पॉलिस के द्वारा वर्क किया जाएगा, जो एमपी पॉलिस है उनके द्वारा ये वर्क किया जाएगा। वो देखेंगे कि नीडी पीपल कौन है, किनको देना है हमको शूज़ स्लीपर्स वगैरह, ये सब पॉलिस के द्वारा किया जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको इस स्कीम के बारे में। हम देख लेते हैं एमपी के फैक्ट्स, मध्य प्रदेश के फैक्ट्स। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और जो गवर्नर हैं लालजी टंडन हैं। और रिसेंटली जो मध्य प्रदेश में फेस्टिवल्स हुए थे, निमाड़चिड़ी फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल, तानसेन महोत्सव हुआ था। और जो मध्य प्रदेश का देवास है वहाँ अवंती मेगा फूड पार्क, अवंती मेगा फूड पार्क ओपन करा गया था। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं, ओरछा, फेन, बोरी, बगदारा, सिंगोरी, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। और रिसेंटली जो इंदौर है उसको क्लीनेस्ट सिटी के लिए अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड दी फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर फॉर स्टार्टअप्स इन इंडिया? कौन सी स्टेट ने साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर, जो स्टार्टअप्स के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सी स्टेट है, किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? एंड आंसर है कर्नाटका, कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया। ऑप्शन भी हमारा आंसर है, कर्नाटका की जो है सेंटर है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है स्टार्टअप्स के लिए। सिक्योरिटी आजकल हैकिंग की जो बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है, इसके वजह से ये लॉन्च करा गया है। और कर्नाटका की स्कीम है जनसेवका और कोरोना वॉच, और कैंपेन है नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट कमेटी हैज़ रिकमेंडेड टू बैन द यूज़ ऑफ सलाइवा टू शाइन द बॉल, इट हेडेड बाय हुम? आईसीसी जो कमेटी, क्रिकेट कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड करा है कि जो क्रिकेट मैच होते हैं उसमें क्या है कि प्लेयर्स अपनी सलाइवा यूज़ करते हैं बॉल को शाइन करने के लिए, उसको बैन कर दिया गया है, अब सलाइवा यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आईसीसी कमेटी, क्रिकेट कमेटी है, किसके द्वारा गवर्न की जाती है, किस कौन है इसके हेड? आंसर है अनिल कुंबले, ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन से हम देख लेते हैं, राहुल द्रविड़ कौन है? राहुल द्रविड़ है नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड हैं। सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन है, और जो शशांक मनोर हैं आईसीसी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड आत्मनिर्भर अभियान, अ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़, इट इज व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल जीडीपी? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत जो पैकेज लॉन्च किया गया है 20 लाख करोड़ का, वो इंडिया की टोटल जीडीपी का कितने परसेंट है? आंसर बनता है 10%, वो इंडिया की टोटल जीडीपी का 10% है। नेक्स्ट, डैश अमाउंट ऑफ कोलेट्रल फ्री लोन टू बी प्रोवाइडेड टू एमएसएमई अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कोलेट्रल फ्री लोन कितना दिया जाएगा? अब ये कोलेट्रल फ्री क्या होता है, कोलेट्रल फ्री जो लोन होता है ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? कोलेट्रल फ्री ये होता है जिसके लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा जो किसान हैं उनको लोन लेना होता है, या फिर जो एमएसएमई के लिए या स्टार्टअप्स जो स्टार्ट करते हैं उनको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। पहले के टाइम में वो साहूकार होते थे, उनके वहाँ भी किसान अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे,
उसी को ही कोलेट्रल कहते हैं। अब देख लेते कितना फंड अलोकेट करा गया, तो कोलेट्रल फ्री कितना लोन दिया जाएगा एमएसएमई के अंडर, एमएसएमई के लिए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो ये 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ का दिया जाएगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्ट्रीट वेंडर्स विल बी प्रोवाइडेड विद ₹10 करोड़ स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो हम कभी जाते हैं बाहर रास्ते में, जो ठेले वाले होते हैं, जो ठेल लगाते हैं जो चाट वगैरह की, या स्ट्रीट में उनके जो ठेले होते हैं कुछ भी वो बेचते हैं छोटी छोटी चीज़ें, या फिर जो नाश्ते की जो शॉप्स लगी होती हैं छोटी छोटी सी, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान में कितना फंड अलोकेट करा गया है? एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी, 5000 करोड़। 5000 करोड़ अलोकेट करा गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। नेक्स्ट, सेंटर विल बियर डैश अमाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स ऑल माइग्रांट वर्कर्स फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए जो माइग्रांट वर्कर्स हैं उनको फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। इसके लिए सेंटर को कितना बेयर करना पड़ेगा अमाउंट? एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए, 3500 करोड़। 3500 करोड़ बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पूरा फैक्ट्स में। अंडर पार्शियल गारंटी स्कीम 30,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एंड NBFCs, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो माइक्रो फाइनेंस NBFCs और जो हैं HFCs, उनके लिए 30,000 करोड़ ये इन्फ्यूज़ किया जाएगा लिक्विडिटी के लिए, और 45,000 करोड़ पार्शियल गारंटी स्कीम 2.0 के अंतर्गत उनको दिया जाएगा। 90,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज़्ड फॉर डिस्कॉम्स। 45,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज़्ड NBFCs अंडर पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। नेक्स्ट, गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज 20,000 करोड़ इन स्ट्रेस्ड MSMEs। जो स्ट्रेस्ड MSMEs हैं उनके लिए कितना फंड अलोकेट करा गया है, कितना इन्फ्यूज़ किया जाएगा जो इनको रिवाइव करने के लिए, जो स्ट्रेस्ड MSMEs हैं उनके लिए अलोकेट करा गया है 20,000 करोड़, ताकि इनको रिवाइव किया जा सके, इनको ये स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। For 12 months, center will provide interest subvention of 2% for मुद्रा शिशु लोन पेज। जो मुद्रा शिशु लोन होंगे, जिनको मुद्रा शिशु लोन पे करना होगा, उनके लिए 12 months के लिए 2% subvention दिया गया अंदर मुद्रा स्कीम के अंतर्गत। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या बनती है ये भी एग्जाम में आता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल म्यूजियम डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल म्यूजियम डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? एंड आंसर बनता है ऑप्शन सी, 18th मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और ये जो म्यूजियम की इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल है उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, और उसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है, उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है 18th मई को। 12th मई को नर्सेज डे, 8th मई को रेड क्रॉस डे, और 17th मई को हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे पूरे विश्व में किस दिन मनाया जाता है, ये भी 18th मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है, 18th मई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और 5th मई को अस्थमा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो मई के फर्स्ट ट्यूजडे को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार जो मई का फर्स्ट ट्यूजडे था वो 5th मई को था। नेक्स्ट, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाडा। नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एंड आंसर है न्यू दिल्ली में नाडा का हेडक्वार्टर है। हम देख लेते हैं नाडा के फैक्ट्स। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
और नाडा के जो डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल, और जो नाडा का मोटो है प्ले फेयर, प्ले फेयर नाडा का मोटो है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और नवीन अग्रवाल इनके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट, और नाडा के जो ब्रांड एम्बेसिडर हैं वो सुनील शेट्टी हैं। देख लेते हैं हम बैंकिंग टर्म्स के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग का। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और बैंकिंग से 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं हर रोज़ 1 से 2 टॉपिक बैंकिंग के भी कवर करती हूँ। आप एंड तक सेशन में बने रहा कीजिए, जिससे कि आपको बैंकिंग भी साथ की बैंकिंग अवेयरनेस भी क्लियर होती जाए। तो देख लेते हैं हम ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इनेबल इन्वेस्टर्स टू पार्क देयर शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड विद लोवरिंग देयर रिस्क। जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से मार्केट से जो बोरोइंग करती है, जो उनको पैसा चाहिए होता है मार्केट से, वो ट्रेजरी बिल के माध्यम से लेती हैं, ट्रेजरी बिल के थ्रू ली जाती हैं। और ये इन्वेस्टर्स को भी एक चांस देता है कि वो अपना जो शॉर्ट टर्म जो फंड है, जो उनका शॉर्ट टर्म फंड है, वो कहीं ऐसी जगह सिक्योर जगह पार्क करें जहां कोई रिस्क नहीं है। यहां लिखा गया लोवरिंग देयर रिस्क, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां रिस्क की जो होती प्रोबेबिलिटी हो जाती है वो जीरो हो जाती है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रह सकती रिस्क की कह सकते हैं इसमें। तो क्या है कि इन्वेस्टर हैं अपना फंड पार्क करते हैं ट्रेजरी बिल्स में, वो ट्रेजरी बिल्स लेते हैं, तो इससे उनका फंड सिक्योर हो जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी जाता है। उनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट से बोरोइंग करती है वो ट्रेजरी बिल के थ्रू करती है। लेकिन डायरेक्ट ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट खुद बोरोइंग नहीं करती है मार्केट से। देख लेते हैं हम आगे किसके द्वारा की जाती है। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। और ट्रेजरी बिल किसका इंस्ट्रूमेंट है, ये क्वेश्चन भी बनेगा कि ट्रेजरी बिल किसका इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट का। तो आंसर हमारा बनेगा मनी मार्केट का। दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट एंड आर शॉर्ट टर्म डेब्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इशूड। यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बनता है, जो ट्रेजरी बिल हैं वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं या लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा आंसर होगा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू करे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन इशू करता है आगे देख लेते हैं हम। दे आर ऑक्शनड बाय दी RBI। इनकी नीलामी की जाती है, जो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं मार्केट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे RBI के द्वारा करे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर ऑक्शनड बाय दी RBI ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट रेगुलर इंटरवल्स पे RBI के द्वारा इशू करे जाते हैं। एंड इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अब ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या होता है, आंसर दीजिए। डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू क्या होता है, देखते हैं हम। जो ट्रेजरी बिल्स हैं हमने जितने के लिए, उस पर हमको लोन नहीं मिल, इंटरेस्ट नहीं मिलता। हम जो लोन हमसे मार्केट बोरोइंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल के थ्रू, तो हमको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट तो कर देते हैं लेकिन उनको इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो फिर क्या ऐसे ही सब अपना फंड इन्वेस्ट कर देते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के? ऐसे तो कोई करेगा नहीं बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर। इसको क्या है कि फेस वैल्यू जो इनकी है उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। अब मान लेते हैं हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ट्रेजरी बिल है 200 रुपीज़ का, ट्रेजरी बिल है, हम छोटे से अमाउंट से देखते हैं, हालांकि बड़े अमाउंट के होते हैं, 200 का है। इस पर हमको 10% का फेस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो हमको कितना 10% 20 लेस कर दीजिए 180 रुपीज़ का ये हमको गवर्नमेंट इशू कर देगी RBI। जिस टाइम ऑक्शन होगा उस टाइम हमको RBI 180 रुपीज़ में ट्रेजरी बिल दे देगी। तो फिर हम क्या करेंगे, 180 में ही वापस देंगे? नहीं, हम देंगे गवर्नमेंट को पूरे 200 में वापस देंगे। जब हम इसको गवर्नमेंट को वापस देंगे तो गवर्नमेंट एक टाइम जो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब हम इसको गवर्नमेंट को वापस देंगे, तो गवर्नमेंट हमसे ये पूरे जो पूरे की पूरी इनकी फेस वैल्यू है 200
पूरे के पूरे पैसे देगी। तो हमने लिया इसको 180 में, हमको इस पर 20% डिस्काउंट मिला, तो अब हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये इशूड एट डिस्काउंट फेस वैल्यू, ये स्टार्टिंग में ही हमको कम पैसों में दिए जाते हैं और उसके बाद हम इसको जो हम फंड इन्वेस्ट करते हैं हम कम करते हैं और पूरा का पूरा फेस वैल्यू अमाउंट हमको मिलता है। इस तरीके से हमारी अर्निंग होती है। आई होप क्लियर होगा, क्लियर हो तो यस टाइप करिए। इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स हैं, पहला टाइप है ये 91 डेज के होते हैं, दूसरा है 182 डेज के, और तीसरा है ये 364 डेज के लिए, 364 डेज के लिए इशू करे जाते हैं। 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। इनसे भी कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नोट देख लेते हैं क्या है। दीज कैन बी इशूड बाय ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जब मार्केट बोरोइंग करनी होगी तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्रेजरी बिल के थ्रू मार्केट बोरोइंग कर सकती है, जिसमें RBI उनके बिहाफ पे ऑक्शन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट इसके थ्रू बोरोइंग नहीं कर सकती है। क्लियर है तो यस टाइप करिए। ओके, आई होप क्लियर होगा आप सभी को। सो दैट वॉज इट फॉर टूडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।